नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करूंगा टीपी लिंक का AC 1200। एक राउटर, वाईफाई राउटर है जो आता है फुल गीगाहर्ट्ज एंड डुअल ब्रांड के साथ। 2.5 GHz प्लस 2.4 GHz प्लस 5 GHz, और ये जो MBPS लेते हैं 2.5 में 867 MBPS, और 2.4 में आता है 300 MBPS। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है फुल गीगाबाइट पोर्ट है। ठीक है, और इजी शेयरिंग भाया यूएसबी 2.0 पोर्ट है, जिससे आप जो आपका पेन ड्राइव वगैरह वगैरह लगा के आप किसी भी वाईफाई को जो कनेक्ट करेगा वो आपका पेन ड्राइव से जो डिटेल्स है वो देख पाएंगे। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करके। XRCU का मॉडल है ये यार, ये जो मॉडल है बहुत अच्छा है, मोस्ट पॉपुलर मॉडल है, और इसका जो वारंटी मिलता है थ्री ईयर का वारंटी है। तो चलिए इसका पैक में क्या है, क्या क्या है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसके बाद चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो चलिए पैक को मैं ओपन कर लेता हूँ। पैक में ओपन कर लिया हूँ। तो इधर जो पोर्ट के बारे में इधर बताया गया है, पोर्ट आप देख सकते हैं, ये पावर देने के लिए है ये वाला पोर्ट। ये है गीगाबाइट WAN पोर्ट। इसके बाद देखिए गीगाबाइट LAN पोर्ट है, और ये इधर एक स्विच है जो रिस्टार्ट करने के लिए है, और इधर एक ऑप्शन रहता है पावर ऑफ ऑन। ठीक है, और इधर USB पोर्ट को कनेक्शन करने के लिए है। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इधर पैकेजिंग किधर देख लेना है, जैसे ये वाला है, इधर से ही पैकेज ओपन करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से है पैकेजिंग। इसके बाद चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये जो है इस तरफ से दिखता है, ये टीपी लिंक का राउटर। बैक साइड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इधर मॉडल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ दे के रखा है। इसके बाद इधर ये जो पोर्ट के बारे में बताया गया था, ये पोर्ट इधर है, हम देख पा रहे हैं। टोटल चार पोर्ट आप देख पा रहे हैं, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। इसके बाद इधर एक ऑप्शन रहता है रीसेट करने का। इसके बाद इधर पावर देने के लिए ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद ये पावर ऑन करने के लिए ऑप्शन है। इसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन है USB कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरफ से दिखता है कुछ, और कुछ है इसमें दिखा देख लेते हैं क्या क्या है। इधर एक आपको पोर्ट दिया जाता है ONU के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये वाला पोर्ट, ये काम में लगता है आपका, ये जरूर आपको रखना चाहिए, ये काम में लगेगा। इसके बाद चलिए इसका जो पावर का जो पावर आप देख पा रहे हैं इसमें इनपुट कितना है, इनपुट 100 से 240 वोल्ट तक ले सकते हैं, और ये आउटपुट करता है 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर। ठीक है, तो ऐसा है कुछ पैकेज देख पा रहे हैं, और इसमें और कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा स्टिकर है और कुछ है, और कागज़ में आप लोग को दिखाता हूँ। ये है इंस्टॉलेशन गाइड, किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में इधर देख के रखा है ये लोग ने।
ये देखिए, देखिए इधर गया ये ONU पे गया, ONU से ये क्या, ONU से ये जो पोर्ट है ये पोर्ट आएगा देखिए WAN में आएगा, ठीक है WAN में, मतलब ये जो पोर्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ WAN, ये वाला पोर्ट देख पा रहे हैं WAN, ये वाला पोर्ट में आएगा WAN, ये वाला पोर्ट में आएगा। इसके बाद इधर से पावर देना है, पावर ऑन भी करना है इसका इधर से। इसके बाद इधर से आप ये जो चार पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये चार पोर्ट से आप लैंड ले सकते हैं, मतलब आप किसी भी एक, मतलब आपका घर में चार इंटर, मतलब चार है, मतलब चार कंप्यूटर है, तो चार कंप्यूटर को कनेक्ट, चार कंप्यूटर और लैपटॉप है तो चार कंप्यूटर आप एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये तो है, ये तो मैंने खरीदा। इसके बाद मेरे पास और ही राउट, मतलब ये है टीपी लिंक का, इसका भी वीडियो मैंने किया है, इसका भी वीडियो किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसका वीडियो। टीपी लिंक का ये होता है एक्सटेंडर, मतलब आपका जो वाईफाई का जो सिग्नल है ये ज़्यादा दूर तक भेजते हैं, वो कैच करके भेज सकते हैं। तो ये भी लैंड दे के कनेक्ट करना पड़ता है, इसका जो लैंड जो है ये केबल लेके जाके इसका लैंड में कनेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हमने जिस तरह से इसका कनेक्शन किया है वो अभी आपको दिखाएंगे। मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, इसका भी वीडियो इसके एंड में, इसका कनेक्शन दिखाने के साइड में ही है। किस तरह से आप लोग इसका आईडी पासवर्ड मतलब रिसेट करेंगे, पासवर्ड खुद से सेट करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड मतलब वाईफाई का नाम भी रख सकते हैं किस तरह से, वो भी बताएंगे। पहले इस कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए कनेक्शन का जो टाइप होता है वो आपको मतलब जानना चाहिए, कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, ठीक। तो एक स्टैटिक, मतलब एक कनेक्शन होता है जो स्टैटिक आईपी रहते हैं उसमें, इस तब आपको क्या करना पड़ता है, आईपी बिठाना पड़ता है, इसमें आईपी बिठाना पड़ता है। और एक होता है डायग्नोस्टिक, ठीक है, वो होता है तो मतलब कोई आईपी बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कनेक्शन करिए इसमें और उधर जब चूज कर, मत जब आपका जो राउटर है जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तब आपको उधर डायग्नोस्टिक आईपी चूज कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको वो वीडियो आपको दे, इसका निर्मय मतलब डेस्क में इसके 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 बाद आप देख पाएंगे वो वीडियो मैंने किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया है, मैं अभी ये भी बताऊंगा। इसके बाद कनेक्शन के बारे में बताइए, देख कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा जो मतलब कनेक्शन है वो स्टैटिक आईपी के है, ठीक है, बट मैंने मेरा राउटर पर डोमेस्टिक करके चला रहा है, इसलिए ये स्टैटिक आईपी जो है, आईपी जो बिठाना पड़ता है, कभी एक भी ना किसी भी ना किसी भी डिवाइस में आपको आईपी बिठाना पड़ेगा। मेरा जो ONU है, देखिए ये जो ONU है, ONU के मैं क्या क्या हूँ इसको मैंने आईपी बैठा दिया हूँ, तो ONU पे आईपी बिठा दिया हूँ। ONU से आईपी बिठाने के बाद क्या होता है, ये क्या किया हूँ, ये जो पोर्ट आया है ना, ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये है लैंड पोर्ट, ये लैंड पोर्ट लेके आके मैंने क्या किया है, इधर इधर कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए इधर देखिए, ये जो WAN है, ये होता है WAN जो पोर्ट है, ये वाला आपने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद इसको तो मिल रहा है, और इसमें क्या किया, इसमें आईपी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें आईपी है, मेरा स्टैटिक आईपी है, ठीक है। तो अभी अभी क्या किया है, देखिए अभी मैंने एक जो लैंड पोर्ट है, लैंड पोर्ट मेरा गया है कंप्यूटर पर, ये देखिए कंप्यूटर पर इथरनेट पे कनेक्शन हुआ है, ठीक है। इधर से जो लैन का जो पोर्ट रहता है, येलो कलर का जो पोर्ट है, ये चारों पोर्ट लैन का है, तो मैंने एक इधर से निकल के मैंने क्या किया है, इधर कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद और एक जो लैन केबल आप देख रहे हैं, मेरा आउटडोर राउटर के लिए है, ठीक है, ये आउटडोर राउटर के लिए है, टीपी लिंक का आउटडोर राउटर, वो आप लोग देख नहीं पाएंगे शायद, उधर लगा हुआ है, ठीक है, उधर लगा हुआ है, वो आउटडोर के लिए लगा हुआ है। ये जो केबल आप देख पा रहे हैं, जो केबल गया है, ये जो केबल गया है, ये केबल उधर जाके लगाया है, ये लगाया है, वो मतलब वो आउटडोर के लिए है। तो इधर से मेरे को पोर्ट मैंने लगा के इस तरफ से कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। ये जो आउटडोर राउटर जो है वो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग शायद चेक कर लीजिए। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद इसका एक पावर देना पड़ता है, तो पावर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये पावर इधर देना पड़ता है, ठीक है, इधर इधर पावर देना पड़ता है बस। ये जब आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट लेगा स्टार्ट होने में, ठीक है।
उसके बाद ये ठीक ठाक चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन किए हैं हमने। तो ये दोस्तों, ये जो राउटर है अभी इसको सेटअप करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब अपना राउटर में कनेक्शन कर दिया है, सप्लाई भी दे दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर वाईफाई आपका जो कंप्यूटर में जो वाईफाई है ऑन कर लेना है और इसका इसको कनेक्ट कर लेना है। इसका जो राउटर का जो सिग्नल है ये आपको जान लेना है। ये जो सिग्नल आ रहा है, बहुत सारा सिग्नल आपको मिल सकता है आपके पास, घर आपका घर के पास बहुत सारा मतलब जो वाईफाई का जो सिग्नल है वो मिल सकता है, बट आपको पहचान लेना है जो कौन सा है। उसके बाद इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा, राउटर का पीछे में पासवर्ड लिखा रहते हैं। ठीक है, राउटर का पीछे पासवर्ड लिखा रहते हैं, वो पासवर्ड अभी इधर आपको एंटर करके इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको आप क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद इधर जो सर्च बार है इधर आपको सर्च कर लेना है 192.168.1.1। ये जो अभी है मैं इसको पूछ देता हूँ, ये नहीं लगेगा, सिर्फ इससे ही सर्च करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पेज है ये आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपका पासवर्ड सेटअप कर लेना है। ठीक है, ऐसा एक पासवर्ड दीजिए जिसमें मतलब जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ज़्यादा रहना, स्पेशल कैरेक्टर जो है 2-3 रहना चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, raju@661। ठीक है, इस तरह से राजू का जो पहला जो अक्षर आएगा वो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी पासवर्ड दे देते हैं इसका, इसके बाद नीचे में भी सेम पासवर्ड आपको देना है। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर टैप करना है। इसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, कोई भी आप इथरनेट केबल्स कनेक्ट करके रखे हैं एक्स्ट्रा अलग करके, वो अभी ओपन करके रखना है। ठीक है, अभी कोई भी इंटरनेट कनेक्शन रह ही रहना चाहिए, सिर्फ इसको कनेक्शन करके रखिए। ठीक है, तो ये पोच नहीं ओपन हो सकता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपका टाइम जोन चूज कर लेना है। तो मैं आपका जो टाइम जोन है आप चूज कर लीजिए, मेरा टाइम जोन जो है मैं इधर चूज कर लेता हूँ, मिल गया है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो आईपी है कौन सा आईपी है ये आपको मतलब जो ऑपरेटर है वो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक आईपी है तो आपको इधर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये जो क्रॉस है मैं क्रॉस अभी कर दिया, इस क्रॉस करने के बाद अभी नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है तो नेक्स्ट करना है। तो मेरा तो स्टैटिक आईपी नहीं है, डायनामिक आईपी है, तो मैं डायनामिक आईपी के क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूँगा। आप ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन है, आप नहीं जानते हैं तो ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑटो डिटेक्ट एक बार क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ, एक कुछ टाइम लेते हैं। देखिए डायनामिक आईपी दे दिया है, तो अभी मैं डायनामिक में करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन आ रहा है डायनामिक आईपी पे, ये आपको डू नॉट क्लोन MAC एड्रेस ये वाला ऑप्शन को क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो नेटवर्क का नाम मतलब जब आप वाईफाई ऑन करेंगे वो किसका नाम पे दिखना चाहिए, तो मैं इधर दे देता हूँ इसके बाद देखिए आपका पासवर्ड अब एंटर कर देना है। मतलब वाईफाई का जब कनेक्ट करने जाएंगे तब आपको पासवर्ड देना पड़ता है, तो पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो अभी इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने ये तो हो गया, पासवर्ड दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट टैप करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए दोस्तों, ये अभी दिखा रहा है आपको क्या क्या हुआ है। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड है, ये है, सब कुछ दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा हूँ, सेव कर लेना है। आपको कुछ टाइम वेट करना है, इसलिए मतलब ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपको बता रहा है जो आपका जो 2.5 GHz का जो पासवर्ड है, मतलब SSID है, ये है। ठीक है,
इसके बाद ये जो 5 GHz का जो SSID है ये है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन में टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, ये जितना टाइम तक ये सक्सेसफुल ना हो जाए। देखिए ये जब आप कर रहे हैं तब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है अभी इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है, मतलब इंटरनेट का किधर लाइन मतलब प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ये कनेक्शन ठीक ठाक नहीं हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल बहुत ईजी से इस तरफ से करेंगे तो ये सक्सेस कॉन्ग्रेचुलेसन करके दिखाएगा इधर, और आपका सेटअप सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और हमारा जो चैनल है बहुत छोटा चैनल है, मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो नहीं छोड़ता हूँ, ये अभी खरीद रहा हूँ इसलिए आपको प्रोसेस दिखाया हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।